शहर के बीच से गुजर रही ड्रेन नंबर 8 की पटरी को नगर परिषद न केवल पक्का करेगा बल्कि इसे हरा भरा भी मनाया जाएगा। यह कहना है नगर परिषद की चेयरपर्सन रजनी विरमानी का। नगर परिषद की चेयरपर्सन रजनी विरमानी ने हवन कर ड्रेन की पटरी के निर्माण कार्य शुभारंभ किया। चेयरपर्सन ने बताया कि पटरी की लंबाई करीब 5 किलोमीटर व चौड़ाई 25 फीट की पक्की की होगी। सीएम मनोहर लाल ने ड्रेन नंबर 8 की पटरी को पक्का करने की घोषणा वर्ष 2016 में की थी। चेयरपर्सन रजनी इंद्रजीत विरमानी ने कहा कि पटरी पक्की करने के कार्य पर करीब 13.50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नगर परिषद ने एजेंसी को एक वर्ष में निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा है। पटरी को पक्का करने के बाद स्ट्रीट लाइट व पटरी के साथ पौधे लगाने की योजना है। इस मौके पर वाइस चेयरमैन राजेश देवी, पार्षद राजबीर मलिक, एमई राहुल, जेई अजय कुमार, सचिन, ललित शर्मा, इंद्रजीत विरमानी, सुमेर, भीम सिंह, दिलबाग बाजवान, सुरेश पंवार, विनोद राजोरा, बंटी हंस, अनिल मलिक, राजू हंस, नीरज काद्यान, जयवीर कौशिक आदि उपस्थित रहे। गोहाना से हरियाणा उत्सव के लिए रवि नारंग की रिपोर्ट। नंबर 8 पर आज हम पटरी बनाने का काम शुरू कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का। ये सीएम अनाउंस का बजट है, 13.5 करोड़ रुपए का बजट है। ये पटरी 5.5 किलोमीटर लंबी बनेगी। पानीपत चुंगी से महमूदपुर रोड तक इस पटरी का काम, इस काम को शुरू करने जा रही है और 18 मई तक कह रहे हैं इसका काम खत्म होगा। 2016 की माननीय मुख्यमंत्री के अनाउंस है, इस पे काफ़ी दिक्कतें आई। वन विभाग की भी एनओसी की ज़रूरत थी, काफ़ी कुछ उनके पेड़ थे, वो सारी बाधाएं दूर होकर आज शुभ दिन आया है कि आज हम सड़क का निर्माण शुरू करने जा रहे हैं। मैं इसके लिए नगर परिषद गोहाना का, पूरा हरियाणा सरकार का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने बड़े अच्छे प्रोजेक्ट को आज शुरू कर दिया।